इस वीडियो का टाइटल देख के जो लोग भी ये वीडियो ये स्टोरी देखने आए हैं उन लोगों को मैं स्पेशली बता दूं कि ये स्टोरी आपके लिए थोड़ी सी खास हो सकती है, क्योंकि जिसका जिक्र आम जिंदगी में हर रोज नहीं होता। हेलो जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? बढ़िया है, सब ठीक ठाक हैं। तो बात करते हैं 4 दिसंबर की। जैसे कि आपको पता है बहुत लोगों को कि 4 दिसंबर जो है वो इंडिया में जाना जाता है इंडियन नेवी डे के नाम से, और इस मौके पे आई वॉज लकी इनफ दैट आई वॉज एबल टू विजिट INS कुरसुरा, जो कि एक इंडियन सबमरीन थी, अभी डीकमीशन हो गई है, उसको अंदर से देखने का, पर्सनली उसको शूट करने का और आप लोगों को दिखाने का, जो बात है। जैसे ही हमारा शिप पोर्ट पे आया, वाइजेक पोर्ट पे, तो मैं और मेरा फ्रेंड पोर्ट से निकल के सिर्फ 10 मिनट की राइड लेके, ऑटो राइड लेके हम लोग पहुंचे आरके बीच पे। और आरके बीच कैसे आते, कैसे कैसे आ सकते हैं उतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, बट इतना है कि अगर आप फिशिंग हार्बर पे हैं तो डायरेक्टली आप ऑटो पकड़ सकते हैं। फिशिंग हार्बर से डायरेक्ट 10-15 मिनट लगते हैं आरके बीच पे। आरके बीच पे उतर के आपको INS कुरसुरा सबमरीन की तरफ जाना है, दिख जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं। पहुंच के नेवल सेरेमनी को अटेंड करके, सबमरीन में विजिट करके, सबमरीन के अंदर जाके देख के आपको भी दिखाया जाए कि सबमरीन अंदर से कैसी लगती है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने गाजी अटैक में सबमरीन को देखा होगा। ये मेरा सेकंड विजिट था। फर्स्ट विजिट में बहुत छोटा था तो मैं सबमरीन के अंदर गया था तो उतना याद नहीं है, लेकिन ये वाला भाई साहब हमेशा याद रहेगा और YouTube पे भी रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, जो भी मैंने देखा, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं वो रिकॉर्ड कर पाया और आप सब लोगों को दिखा पाया। सबसे पहले बात करते हैं इस एंट्रेंस की। ये जो भी आपने एंट्रेंस देखी, ये दरवाजा, ये एक्चुअल में सबमरीन में नहीं होता, ये सिर्फ सिविलियंस को एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए बनाया गया है। बेसिकली सबमरीन की एंट्रेंस ऊपर से ही होती है, ऊपर से ही एंट्रेंस होगी और ऊपर से ही एग्जिट होगी। यार एक बात है, ऐसे ही मैंने इन लास्ट कमांडिंग ऑफिसर, लास्ट ऑफिसर, लास्ट सेलर्स के स्टैचूज को देखा, मेरे मन में एक ही ख्याल आया, क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसलिए कि आप में कोई बात है। तो बेसिकली इस सबमरीन में 7 कंपार्टमेंट्स हैं, 7 कंपार्टमेंट, और फर्स्ट कंपार्टमेंट है टॉर्पीडो कंपार्टमेंट, जिसको सबसे फ्रंट कंपार्टमेंट बोला जाता है। इसमें टॉर्पीडो रखे जाते हैं ताकि हम दुश्मन के साथ हमला कर सकें, उनको टॉर्पीडो अटैक कर सकें। सबमरीन की कुछ खास बातें मुझे मालूम चली, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, ये सबमरीन इंडिया की 5th सबमरीन थी। सेकंड, इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर में इस सबमरीन ने पेट्रोलिंग करी है,
पेट्रोलिंग करके बहुत इंफॉर्मेशन इंडिया को दी। थर्ड, उस टाइम पे इस सबमरीन का हाईएस्ट डेप्थ था 300 मीटर, 300 मीटर तक ये पानी के नीचे जा सकती थी। और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझसे ज्यादा ये भाई साहब आपको अच्छे से। लाइफ टाइम खत्म होने से एसआरबी से उठाया, सेमी जीएम के लिए रखा। साउथ ईस्ट एशिया में नंबर 1 सबमरीन म्यूजियम, ग्रीन कलर से ना इसको टॉर्पेडोस कहते हैं, अंडर वाटर बम्स। इसे वाला 22 लेके चलते, इस कंपार्टमेंट में 18 लास्ट में था, दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं। राउंड गेट बना के देखा, इसी के अंदर से बम को भेजते। इधर एक रेड एंड व्हाइट वाला को देखिए, इसको सी माइन कहते हैं, वर्किंग लाइक ए लैंड माइन। ये सबमरीन 280 मीटर पानी का नीचे से चलते। 1971 में पाकिस्तान का साथ युद्ध में गया, हम जीत गए। अपना पास और 16 सबमरीन, 8 मुंबई में, 8 विशाखापट्टनम, इन वर्किंग कंडीशन। अब चलते हैं दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ, और दूसरा कंपार्टमेंट है ऑफिसर्स का केबिन, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर, कैप्टन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर रैंक्स थे वो वहां केबिन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक 10x10 के कमरे में वही सोना है और उसी टाइप के कमरे में मशीनों के बीच महीनों काम करना है, क्या आप कर पाएंगे? सोचिए, मुश्किल है, मुश्किल है भैया। तीसरा कंपार्टमेंट है चार्ट रूम और डेप्थ एरिया सेंसर, जहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया जाता था कि हमारा रूट क्या होगा, हम कौन सा कोर्स जो है उसको चूज करेंगे, कैसे कैसे पेट्रोलिंग करेंगे। और दूसरा डेप्थ सेंसर, और वहाँ पे सब मशीन्स थी, सब मशीनरीज जो थी वो वहाँ पे ये दिखाती थी कि डेप्थ कितनी है, जितना भी सिग्नल रिसीव होता था वो उस एरिया में लोकेट किया जाता था, उसके बाद आगे फर्दर ऑर्डर दिए जाते थे। सांसों में आंधी है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट इज द फोर्थ कंपार्टमेंट, जो कि है मोर्स कोड, MORSE, मोर्स। तो ये कुछ एक ऐसी कोड लैंग्वेज होती थी जिसमें सिग्नल भेजे जाते थे, सो दैट वो इंफॉर्मेशन समझ के शोर पे या दूसरी सबमरीन ये चेक कर पाती थी कि जो सबमरीन या जो शिप ये मोर्स कोड भेज रहा है उसका मकसद क्या है, क्या वो हेल्प मांग रहा है, क्या वो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरीके से इसको मोर्स कोड। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रेस्ट मॉडल्स, ट्रॉफीज, बहुत बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। जितनी भी हमारे पास इंडिया में सबमरीन्स हैं उनका क्रेस्ट, उनका विजुअल सिंबल, के हर एक सबमरीन का एक विजुअल सिंबल है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ट्रॉफीज दिखेंगी, जो जो भी इंडियन सबमरीन्स ने मेडल्स जीते हैं। Yeah.
सिक्स्थ कंपार्टमेंट जो है सबसे मेन कंपार्टमेंट, जहाँ पे बैटरीज कंपार्टमेंट है, इंजन एरिया है जिसमें पूरा 2000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन, और ये उस टाइम का बहुत बड़ा इंजन था इलेक्ट्रिक इंजन। गैली को कैसे भूल गए, गैली बोले तो किचन, सबमरीन का शिप का किचन, उसको गैली बोला जाता है। अब आईएनएस कुरसुरा में दो लोग 80 लोगों का खाना बना रहे हैं, और वो भी 10x10 के एरिया। लास्ट कंपार्टमेंट जो है वो है सेलर्स का केबिन, जहाँ पे जितने भी सेलर हैं, क्रू, ऑफिसर्स के अलावा। तो बेसिकली सबमरीन में 10 से 15 या 20 ऑफिसर रहेंगे, और कंपैरेटिवली क्रू जो है 40-50 या 60 तक भी रहेंगे। ऐसी स्टोरीज मैं आपके सामने इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन लोगों के बारे में जानें जिनका या जिनके काम का जिक्र बहुत कम होता है। ये लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं जब हम लोग अपने घर में, ऑफिस में कोई काम करते हैं। ये थी मेरी आज की स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक इट। मिलते हैं फिर अगली स्टोरी।